हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली मैं आजकल मिनी व्लॉग शूट कर लेती हूँ, वो चेक करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज हमारा फाइनली प्लान बना है गोरेगांव फिल्म सिटी जाने का, और मैं फटाफट से हो गई रेडी। और मैंने कुछ ऐसा आउटफिट पहना था। और फिल्म सिटी जाने के लिए सबसे पहले हमने ले ली लोकल गोरेगांव तक, और वहीं से ले लिया ऑटो गोरेगांव फिल्म सिटी के लिए। और फिर 20 मिनट के रास्ते के बाद पहुंच गए गोरेगांव फिल्म सिटी। यहीं पे पास में था टिकट काउंटर। यहाँ का शो होता है 3 आवर्स का टोटल। यहाँ के शो के टाइमिंग्स है 10 AM to 5 PM। यहाँ की टिकट हमें पड़ी थी 999 पर पर्सन। फिर हमने ले लिया था सेकेंड लास्ट शो 4:30 वाला। और बस रेडी होते ही हमारा नेम कॉल आउट किया और हमारी सीट्स अलॉट हो गई। और फिर हम चल गए फिल्म सिटी के अंदर। यहाँ के टूर गाइड बहुत ही फनी वे में सारी बातें बता रहे थे। यहाँ पर उन्होंने एक सेट के बारे में बताया जो अपने फिल्म के मूवी के सब्जेक्ट के हिसाब से सब कुछ बनाते, तो यहाँ पे बनाया गया था पाकिस्तान आने वाली इस फिल्म का नाम है हीरा मंडी। 2 ईयर्स, 2 साल लगे थे सेट को बनाने के लिए और 1 ईयर शूट किया। और आने वाली और एक फिल्म है बंसाली साहब की, जिसके लिए इसी जगह पे नया सेट बनेगा। संजय लीला भंसाली जी की आने वाली अपकमिंग मूवी फिल्म का सेट था जो अभी सेट डिसमेंटल हो रहा है। अपने अपने बॉलीवुड की फिल्मों का अपना अपना बजट होता है, उस हिसाब से वो सेट बनता है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का सेट बनाएंगे, कलरफुल करेंगे, लाइटिंग करेंगे, शूटिंग करेंगे। मगर जब शूटिंग का काम कम्प्लीट हो जाता है फाइनली उस सेट को यहाँ पे डिसमेंटल। तो आपकी फिल्म देखी होगी तानाजी का जो किला था पैलेस, वो इसी जगह पे लेफ्ट साइड बनाया गया था। अजय देवगन की फिल्म तानाजी केसरी वगैरह, तो सब आर्ट से बनता है। और मैं इतनी खुश हो गई क्योंकि हम देखने जा रहे थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा का लाइव शूटिंग। और फिर हम फाइनली जा रहे थे गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। ये वही गार्डन है जहाँ पर टप्पू सेना को दिखाया जाता है फुटबॉल या बाकी सारे गेम्स खेलते हुए। और ये गार्डन एग्जैक्ट सोसाइटी के पीछे ही है। और यहीं पे पास में है सोडी का गैरेज जहाँ पर शूटिंग चल रही थी। पूरी टप्पू सेना थी, टप्पू, सोनू, गोलू, गोगी, पिंकू और सोडी और रोशन भी थी। और इनका कुछ शूट चल रहा था और मैंने कुछ फोटोज क्लिक कर लिए बस में से फटाफट से, क्योंकि लाइव शूटिंग अलाउड नहीं थी। और मैं इनको देख के इतनी ज्यादा खुश हो गई थी। पर दुख यह हुआ कि हमें गोकुलधाम सोसाइटी देखने नहीं मिली। सोसाइटी को पैक किया हुआ था क्योंकि शूटिंग उस टाइम पर हो नहीं रही थी, तो हमें बस बाहर से थोड़ा सा देखने मिल गया। और हमने देखे बहुत सारे सीरियल्स के सेट, जैसे कि इमली, डोरी, ध्रुव तारा। शूटिंग का नाम है ध्रुव तारा, सब चैनल पे ध्रुव तारा राइट से। तो अगला जो है गांव है गुजरात की कहानी, और सामने है राइट से गोकुलधाम सोसाइटी पाउडर बनता था। महेश मांडलेकर जी को जानते होंगे, थोड़ा सा बता देना। तो ये मोहन लाल है साउथ के। तो शूटिंग कंटिन्यू नहीं होता है, बिग बॉस या कपिल शर्मा का शूटिंग कंटिन्यू नहीं होता है, वीक में 1 या 2 बार होता है। और वो डिसाइड करता है प्रोडक्शन हाउस, तो शूटिंग के दौरान वो जो बॉडीगार्ड खड़ा है उसी गेट से जाते रहते हैं महेश मांडलेकर जी, मोहन लाल, और आगे आपको सलमान लोग भी देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है बिग बॉस, एमसी स्टैन ने जो जीता था वो यहीं से जीता था। अभी जो नया सीजन आया था 17वां, वो भी यहाँ पे, और आने वाला 18वां सीजन भी यहाँ पे होगा। शो मैदान इस जगह का नाम है। पहले गेट से सलमान भाई की एंट्री है, दूसरा गेट, तीसरा गेट और आगे सेटिंग डिपार्टमेंट। काफी बड़ा हिंदी का बिग बॉस है सलमान भाई वाला। कभी सलमान भाई, कभी अरबाज भाई, कभी सोहेल भाई, और कभी भारती जी, कभी अजय देवगन, सब समय के हिसाब से दिख रही है। बिग बॉस भाई को बया लो, भाई की गाड़ी यहाँ पे रुकती है, बिग बॉस है। आगे भी बिग बॉस आते समय भी गाड़ी रुक जाएगी, सब बिग बॉस का लेटर सेटअप है। तो जब तक आप जैसी जनता, यानी कोई भी सीरियल देख रही है, तारक मेहता हो या ये सेट हो, तब तक वो यहाँ पे किसी भी सीरियल का TRP नीचे आ जाता है, तो उस सेट को यहाँ पे डिसमेंटल तोड़ देंगे, फिर नया बनाएंगे। जैसे वो सीरियल थी फौजी सर्कस, शाहरुख भाई ने यहाँ से शुरुआत की थी अपने लाइफ की। लेफ्ट से यहाँ पे हो जाएगा बिग बॉस का, यानी जो भी बनता है वो आर्ट से बनता है, आर्ट डिपार्टमेंट। मसूरी, नैनीताल, शिमला, मनाली, गोवा, फिल्मों में जितने भी फिल्में देखी आपने या सीरियल देख रहे हो, ये रोड जब सीरियल का नाम है ये जनक, जो अभी लॉन्च नहीं हुई है, स्टार प्लस पे आएगी। अच्छी सीरियल है, काफी हाईएस्ट बजट रखा है मैंने, और वेस्ट बंगाल का चेक पोस्ट, नाका, फाइट वगैरह के सीन यहाँ पे चल रहे हैं। लाइव तो रोडों पर भी शूट की जाती है, इंडिया के रोड है, जितने भी उदयपुर, जयपुर या कहीं पे भी जा रहे हैं।
लोगों से आपके जैसे काम कर रहे हैं, पहले वीडियो होता तो उसके बाद ऑडियो डालते हैं। ये जो चल रहा है स्टार प्लस चैनल की सीरियल है, सीरियल का नाम है जनक। तो अभी बहुत ही जल्द लॉन्च होगी, अभी लॉन्च नहीं हुई है। काफी अच्छी सीरियल है, टीआरपी अच्छा ही आएगा, काफी मेहनत कर रहे वो लोग। फिर उसके अंदर सब्जेक्ट में लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो वेस्ट बंगाल दिखा रहे हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जा रहे कहीं मार्केट में और अचानक से जो मेन हीरो है उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह का वो सीन है जो लिया जा रहा है। फाइट एक्शन भी हुई है थोड़ा सा, सुबह में कुछ गुंडे आए, फाइट वगैरह हुई, उसके बाद उनका एक्सीडेंट हुआ। फिर आखिरी में जो है वेस्ट बंगाल पुलिस आएगी ना, यानी आखिरी जो सीन है उसके बाजू में एक ब्रिज था वो नहीं दिखा क्योंकि गाड़ी वहां पे लगी हुई थी। जैसे दिल्ली पुलिस, गोवा पुलिस, पंजाब पुलिस, पूरे इंडिया की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तब से यही फिल्म सिटी को दिखा रहे। आगे का जो लोकेशन आ रहा है वो आ रहा है फिल्म सिटी का कैंपस, यानी तारक मेहता की गलियों में जाने वाले। देखिए जितने भी सीरियलों के सेट होते हैं वो इस तरह से होते हैं, और जो भी दिख रहा है आपको यहाँ पे शूट चल रही है, पूरा सीन अंदर इंडोर आउटडोर होता है। तो कोई सेट अगर आपको यहाँ पे खराब दिख रहा है, पेंटिंग गया हुआ दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है वो यहाँ पे दिखता है। चैनल पे ऐसे नहीं दिखाएंगे, चैनल पे बहुत बड़ी हवेली, बंगला ब्यूटीफुली दिखाएंगे आपको। क्योंकि उसे बनाने के लिए फिल्म लाइन वाले लोग लगते हैं, बाहर वाला आदमी नहीं होता। बिग बॉस का सेट दिख रहा है, ये मेन गेट है जहाँ से शर्मा पैक एंट्री। ब्लू कलर का दिख रहा है वहां पे लिखेंगे बिरला हॉस्पिटल उदयपुर, वही बनेगा। इमली जा रही है गोवा, तो गोवा का बस डिपो लिखेंगे, वही बनेगा। राइट से अगर आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जिस तरह से आप सारे गामा पा, इंडियन आइडल और बहुत सारे शोज देखते हो, थोड़ा सा आगे रुका देना आप, और थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पे भी शो रुका दो। यहाँ पे शो चल रहा है डीडी नेशनल पे आएगा, यानी दूरदर्शन से कोई भी चैनल हो जो ये स्टूडियो होता है इसके अंदर उस तरह के काम होते हैं। जैसे कपिल शर्मा देखते होंगे आप, केबीसी, ये जितने भी शोज होते हैं ऐसे स्टूडियो में होते हैं। 10, 20, 40, 50 उनके एपिसोड होते हैं। जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर का जो मंच होता है, केबीसी हो, कपिल शर्मा हो, इंडियन आइडल हो, वो डिसमेंटल तोड़ेंगे। तब शूटिंग होती है, उसी गेट से एक्टर जाएगा और उसी गेट से आएगा, तो उस समय वो दिख जाते हैं। कोई भी सिंगर हो, बड़े से बड़ा एक्टर, शाहरुख हो, सलमान हो, विराट कोहली हो, एमएस धोनी हो, वो ऐसे स्टूडियो में आते हैं ज्यादातर। बहुत सारे एड होते हैं, फिल्में होती है, तो एयर कंडीशन स्टूडियो में अंदर बहुत सारे गाने होते हैं। शाहरुख भाई जा रहे हैं चेन्नई एक्सप्रेस से, तो वो रेल का डिब्बा इसके अंदर। कटरीना कैफ लंदन जा रही है तो प्लेन की बॉडी। बंगला कहीं और जगह दिखाएंगे, बेडरूम किचन हॉल इसके अंदर होगा। दो चीजें अलग है, कंपोज करते हैं, एडिट करते हैं, वीएफएक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से सारा काम होता रहा है। तो ये स्टूडियो वन है, इसके अपोजिट टू, आगे 3, 4, 5, टोटल 5 स्टूडियो। और बिल्कुल तारक मेहता के सामने से जा रही गाड़ी, चंपक चाचा से लेकर बागा सुंदर जो भी देखते हो तो डेली यही जगह है। राइट से उनका मेन सेट है, यहाँ से ऊपर से आपने हिंदी में देखा था बोर्ड गोकुल धाम सोसाइटी का, तो राइट का फ्रंट वाला हिस्सा है। तो गेट उनकी शूटिंग के दौरान या उनके समय के हिसाब से खुल जाता है। तो वहां पे है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक और अब्दुल सोडा, आगे वो पार्क है, उस पार्क से आपको सेट भी जरूर दिखेगा। राइट साइड से तारक मेहता की गलियां, गोकुल धाम सोसाइटी, पाउडर गली पहुंच गए आराम से। लेफ्ट से गड़ा और राइट से अब्दुल सोडा, मगर इन्होंने थोड़ा सा कवर किया इसका, जो प्रोडक्शन हाउस है नीगा प्रोडक्शन, फ्रंट वाला हिस्सा, पीछे वाला भी हिस्सा थोड़ा सा जो है कवर ही किया है, लेकिन इस साइड से आपको आगे से वो सीन जरूर दिखेगा। तारक मेहता की गलियां, ये वही पार्क है जहाँ पे वो जॉगिंग वॉगिंग करते, टप्पू सना गोली है, बहुत सारे सीन होते हैं अलग अलग प्रकार के। या फिर अभी नई लेटेस्ट ऐड आई है जिसके लिए टाइगर श्रॉफ ने काम किया अभी कुछ दिन पहले, उससे पहले बहुत सारे नाना पाटेकर से लेकर बहुत सारे लोगों ने किया। आपकी ये इंडिया का पार्क है, यानी जितने भी सीरियल देख रहे हो, फिल्में देख रहे हो, पार्क के जब सीन होते हैं जॉगिंग वॉगिंग के सबके, वो यही जगह दिखाते हैं इंडिया के पार्क के समय। फिर हमें छोड़ दिया बॉलीवुड पार्क में, यहाँ पर हम अंदर गए, ये बहुत सुंदर बनाया हुआ था। यहाँ अंदर हमारी एंट्री होती है, वेलकम टू बॉलीवुड पार्क। आपका आउटडोर टूर हो गया होगा राइट, हुआ कि नहीं हुआ? अभी यहाँ पे आपका इंडोर टूर होगा, 3 शोज होंगे। फर्स्ट आपका होगा वैक्स म्यूजियम विजिट, थर्ड लेफ्ट एंडिंग में आगे स्टाफ है वो आपको असिस्ट कर देंगे।
वैक्स म्यूजियम के बाद आपको ब्रेक रहेगा, ब्रेक में आप रिटर्न यहाँ पे आके फोटोज क्लिक कर सकते हैं, अंदर कैंटीन है वो ज्वाइन कर सकते हो। सेकेंड शो आपका होगा क्रोमा शो, जो टेक्निकल शो है, लाइक मूवीज कैसे बनती है, म्यूजिक कैसे बनता है बताया जाएगा। थर्ड शो आपका यहाँ पे होगा बॉलीवुड शो, जो एंटरटेनमेंट के लिए लाइक डांस, सिंगिंग, कॉमेडी, ये सब परफॉर्मेंसेस होंगी। तीनों शो होने के बाद सेम वे बस से आपका एग्जिट होगा। ओके, वो ये देख 3 इडियट का वो चेयर। फिर हम गए वैक्स म्यूजियम में। फिर यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत फोटोशूट किया, बहुत सारे वैक्स स्टैचूज थे। और यहाँ पर कैंटीन भी है, तो अगर आपको भूख लग जाए आप यहाँ पे भी खा सकते हैं। फिर हम गए क्रोमा शो में, जहाँ पर दिखाया कि VFX कैसा होता है। Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley's. You know, it can come rolling in or it can just be. क्योंकि 2000 में सॉफ्टवेयर आए थे और आज AI तक हम पहुंच चुके हैं। By using the combination of AI and software, nowadays digitally we are producing these songs. फिर बाहर आकर मुझे दिख गई गोलमाल की बाइक। और लास्ट था हमारा बॉलीवुड शो, तो हम यहाँ पर गए। और ये सेट भी बहुत अच्छा था, ये थिएटर जैसा थोड़ा सा बनाया हुआ था। बॉलीवुड पार्क में सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दानवी ताकत समझकर इससे भयभीत हो गई, पर जल्द ही जनता के दिलो दिमाग में सिनेमा के मनोरंजन का ऐसा जादू चढ़ा कि आज तक उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आई एम झुंडीराज गोविंद फाड़के फ्रॉम इंडिया, आई वॉन्ट टू मेक अ मोशन पिक्चर, कैन यू हेल्प। राजा हरिश्चंद्र राम की पहली मोशन फिल्म, जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर आदेशिर ईरानी ने फिल्म आलमारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ। साउंड टेक्नोलॉजी से गीत संगीत के प्रचलन ने जोर पकड़ा। स्वरूप की देवी लता मंगेशकर जी ने भी अपनी शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी और देखते ही देखते इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है। 1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना। जो सफलता राजेश खन्ना को मिली न भूतो न भविष्य दे किसी कलाकार को नहीं मिली। हास्य कलाकारों का अपना
विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। इन खलनायकों ने भी सिनेमा घरों में खूब तालियां, गालियां और सीटियां लूटी। इनके साथ साथ कई कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर अपना अपना जादू बिखेरा। इन अभिनेत्रों ने भी अपनी कला और अदाओं से लोगों को प्रफुल्लित किया। लेट 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस दौर में शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाए गए। कई कलाकारों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए हैं, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा है। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सितारा बन चमक उठे। जब तक मनुष्य रहेगा वो सपना देखेगा। आजकल जो पेरेंट्स बच्चों को रिफ्रेशमेंट के नाम पे घुमाने ले जाते हैं ना, मॉल ले जा रहे हैं, वाटर किंगडम ले जा रहे हैं, बॉलीवुड पार्क में आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो रिफ्रेशमेंट का एक ही साधन था, एक जोरदार छापड़ मारते थे, बच्चा 3 दिन तक रिफ्रेश रहता। 3 दिन तक वो अपने मम्मी पापा के आसपास भी नहीं आता था, दूर से ही निकलता। लेकिन अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनको क्या सुविधाएं मिल रही है। आप देखो सुबह सुबह पेरेंट्स दोनों लगे रहते हैं, एक उसको सॉक्स पहना रहा है, एक शूज पहना रहा है, एक बैग टांग रहा है, तैयार करके हाथ पकड़ के ले जाते हैं, फिर स्कूल की बस में बिठा के ऐसे बाय करते हैं जैसे वो जंग लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम जाते थे स्कूल पढ़ने, रोज थप्पड़ खा के स्कूल जाते थे, और जिस दिन थप्पड़ नहीं पड़े हम समझ जाते थे आज संडे। अभी देखो आप बच्चों को क्या सुविधाएं मिल रही। अच्छा बच्चे तो अच्छे आ ही रहे नए जमाने के, जो नए जमाने की मम्मियां हैं, आए हैं क्या मम्मियां हैं आजकल, क्या तो वो अपने बच्चों से बातें करती हैं, क्या कम्युनिकेशन है उनका बच्चों के साथ में, और क्या पेशेंस है आजकल की मम्मियों का। बच्चा अचानक बोल देता, मम्मी ये क्या सब्जी बनाई आपने, नहीं खाना मुझे नहीं पसंद। कोई बात नहीं बेटा, पिज्जा खा ले, बर्गर खा ले, चाउमीन बना देती हूँ, मैगी बना देती हूँ, बेटा तेरे लिए कुछ ऑनलाइन बुला देती हूँ, इतने ऑप्शन देती हैं आजकल की मम्मी। और एक हमारी माँ, उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे, बेटा तू ये सब्जी खाएगा या चप्पल। और हम दोनों खाते थे, पहले चप्पल बाद में सब्जी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं। अभी देखो आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। साल में एक दिन आते हैं अपने पापा के पास, पापा हैप्पी फादर्स डे। बताओ यहाँ हमारे पिताजी को कभी फादर्स डे की जरूरत ही नहीं पड़ी। उनका तो जिस दिन मूड बन जाता था वो हाथ में एक जूता उठाते और बता देते थे मैं तेरा बाप। और ऐसा हफ्ते में 2 बार होता, दो बार फादर्स डे मनता था हमारे घर में हर हफ्ते, और हम उफ भी नहीं करते थे। और आजकल के बच्चे छोटे छोटे सिंगल डिजिट एज वाले बच्चे, गलती से माँ बाप ऐसा चांटा मारते तो खड़े हो जाते हैं, आपने हमको क्यों मारा बताओ, क्वेश्चन करते। या हमारी पिटाई होती थी पूछना गए एक तरफ, हम तो हाथ छोड़ा के भागते ताकि आगे पिटने से बचे, क्योंकि तब एकाद नहीं पड़ता था, सामने पड़ गए तो जब तक सामने हैं 10-15 पड़ते ही रहते। और कई बार तो पिटने के बाद बहुत देर तक हम यही सोचते रहते थे यार आज इन्हें मारा क्यों, पता ही नहीं होता था किस बात की नहीं मारा। रात को देर तक जाग रहे तो पिटाई, सुबह देर तक सो रहे तो पिटाई, नहाने नहीं जा रहे तो पिटाई, बड़ों के नहाने के टाइम बाथरूम में घुस गए तो पिटाई, जहाँ बड़े लोग बैठे वहां से बार बार निकल रहे तो पिटाई, इन चप्पल घुमा के आ गए तो पिटाई, किसी और की पहन के आ गए तो पिटाई, फिल्म देखने के लिए पैसे मांग लिए तो पिटाई, दोस्त के पैसे फिल्म देखाए तो पिटाई, किसी को पीट के आ गए तो पिटाई, किसी से पिट के आ गए तो पिटाई। और कई बार तो इसलिए मारते थे इसको 4-5 दिन से नहीं मारा आज तक। जिस तरह का रिएक्शन आप लोगों का आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपकी कहानी आपको ही सुना रहा हूँ। ये अलग बात है कि मेरी अपनी कहानी है, लेकिन मुझे लग रहा है ये घर घर की कहानी। अच्छा लग रहा सब लोग मिलकर एक बार ताली बजा सकते। मैं इस तरह की बातें घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ एक टाइम स्लॉट होता है, उतनी देर में मुझे अपनी बात करनी होती है, मेरा समय समाप्त होता है। लेकिन जाते जाते मेरा मन कर रहा है कि आप बहुत अच्छे से सुन रहे थे, एक छोटी सी बात आपसे करूँ मैं। आप देखना जब हम खुश होते हैं तो हम मुस्कुराते हैं, जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो हम हंसने लगते हैं। अपने अंदर की खुशी को व्यक्त करने के लिए जो मुस्कुराने की हंसने की क्षमता ईश्वर ने सिर्फ हम इंसानों को दी। आपने कभी किसी जानवर को हंसते हुए नहीं देखा होगा, क्या आपने कभी किसी गधे को मुस्कुराते हुए देखा है? नहीं।
लेकिन अगर कभी हंसी की बात पर कोई गधा आपको मुस्कुराता हुआ नजर आए तो समझ लेना वो इंसान होने की तैयारी। और कहीं पर बहुत सारे लोग बैठे हो, सब हंस रहे हो, ठहाके लगा रहे हो, और कोई एक आदमी मुंह लटका के चुपचाप बैठा हो तो समझ लेना वो तो हंसिए मुस्कुराइए, अपना इंसान होने का परिचय दीजिए, खूब ठहाके लगाइए और धन्यवाद दीजिए ऊपर वाले को कि उसने इंसान बनाकर भेजा है जहाँ पर हम अपनी खुशी को मुस्कुरा के व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये परफॉर्मेंस हम डेडिकेट करने वाले हैं हमारे बॉलीवुड के हीरो नंबर वन यानी गोविंदा जी के लिए। बस हमें छोड़ के ना चली जाए, दूसरी बस लास्ट बस है, लास्ट बस है। एक तो छुड़ गई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।